दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे दुबई का वीज़ा ऑनलाइन कैसे चेक किया जाता है। दोस्तों दुबई के वीज़े का स्टेटस आप बहुत ही आसानी से चेक कर पाएंगे अपने मोबाइल से या पीसी से। तो हमें चलना है मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में, हमें यहाँ पर सर्च कर देना है, हमें यहाँ पर लिख देना है amir.ae/visa, ये हमें सर्च कर देना है। अभी देखिए जो पहले नंबर की वेबसाइट है ये दुबई की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके जनरल इंक्वायरी सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपके सामने ये इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको कुछ ऑप्शन भरने के लिए कहेगा, आपको ये ऑप्शंस भर देने हैं। जैसे कि हमसे पूछ रहा है एंट्री परमिट, एंटर वीज़ा नंबर, फर्स्ट नेम, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ। और जो वीज़ा की स्लिप है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें कैसे लिखा हुआ है। देखिए ये दुबई की वीज़ा की स्लिप है और मैंने इसे ब्लर कर दी है सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इसका इस आईडी का या इस वीज़ा को कोई गलत मिसयूज कर सकता है, तो मैंने इसलिए इसे ब्लर कर दिया। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं एंट्री परमिट नंबर, तो ये एंट्री परमिट नंबर है ये, तो मैंने इसे ब्लर कर दिया है। देखिए इस एंट्री परमिट नंबर की जगह एम्प्लॉयमेंट नंबर भी हो सकता है, वीज़ा नंबर भी हो सकता है। ज़्यादातर जो होता है वो एंट्री परमिट नंबर करके ही होता है, ये आपको वहाँ पर डालना है। और यहाँ और सब और ये नीचे आएगा फुल नेम, तो आपको यहाँ पर वहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, मैं आपको भर के ही बताऊँगा। और नेशनलिटी इंडिया और डेट ऑफ बर्थ, चलिए मैं आपको उसे भर के दिखा देता हूँ किस तरह से भरा जाता है। जैसे कि हमसे ये पूछ रहा है एंट्री परमिट, तो हमें यहाँ पर एंट्री परमिट पर टिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें डाल देना है एंटर वीज़ा नंबर यानी कि एंट्री परमिट नंबर। देखिए एंटर वीज़ा नंबर डाल देना है, फिर हमें यहाँ पर डाल देना फर्स्ट नेम, मैं इन्हें ब्लर कर दूँगा सिक्योरिटी के लिए। देखिए इस तरह से हमें एंटर वीज़ा नंबर डाल देना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें डाल देना है फर्स्ट नेम। जैसे कि मान लीजिए हमारा फर्स्ट नेम मिस्टर सलमान खान है, तो हमें मिस्टर को छोड़ देना है और सलमान ले लेना है और खान को भी छोड़ देना है। और किसी किसी में मिस्टर लगा हुआ नहीं होता है, जैसे कि मान लीजिए सलमान खान है तो हमें सलमान डाल देना है, खान को छोड़ देना है। जैसे कि मान लीजिए मोनू कुमार है, तो हमें मोनू डाल देना है और कुमार को छोड़ देना है, यानी कि हमसे ये हमारा फर्स्ट नेम पूछेगा, तो हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल देना है। देखिए यहाँ पर आप ये पूछ रहा है आपकी नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपको अपना देश का नाम डाल देना है। मैं इंडिया से हूँ, तो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर दिया। आप अगर अन्य देश से हैं, किसी और देश से हैं, तो आप अपने देश का नाम चुनें। अभी हमसे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो हमें अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। अभी हमें पूरा स्टेटस भरने के बाद, पूरा ये भरने के बाद, अब हमें यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक कर देना है। आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। देखिए इस तरह से आपका पूरा स्टेटस निकल के आ जाएगा, आपका यहाँ पर फुल नेम आ जाएगा, आपकी फ़ाइल नंबर जो है फ़ाइल नंबर भी आ जाएगा, और आपका फ़ाइल टाइप एम्प्लॉयमेंट नंबर है ये भी आ जाएगा, और आपका यहाँ पर एंट्री डेट नंबर भी आ जाएगा, एक्सपायरी डेट भी आ जाएगा, ये आपका पूरा स्टेटस आ जाएगा। अब आप यहाँ से बैक भी हो सकते हैं और यहाँ से इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना।